फर्स्ट इज हाइड्रोजन, सेकेंड इज एच2। सो चलो एक स्टार्ट तो हाइड्रोजन से ही था। एच2, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आई गेस सीधा एनर्जी लेवल डायग्राम पे जा सकते हैं, यही इलेक्ट्रॉन है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? वन एच वन। एनर्जी लेवल डायग्राम सही है। यहाँ पे इसके पास एक ऑर्बिटल है विच इज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन एटम के दूसरे साइड से दूसरा हाइड्रोजन एटम आ रहा है विच इज हैविंग इलेक्ट्रॉन वन। सो दिस इज वी, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। सो यहाँ पे आपके पास चॉइस है कि आप ऊपर डायरेक्टली लिखो या फिर सीधा आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का यहाँ पे छप बैठ गया है। सो दिस इज अवर वन एच वन, दिस इज अवर सर। अभी दोनों क्या थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, तो कहाँ पे जाएंगे ये, बॉन्डिंग साइड। सो ये क्या है अपने, हाउ मेनी एनबी, वो चीज तो हो गई ना, एंटीबॉन्डिंग नहीं है राइट। तो वहां पे हम सिग्मा स्टार नहीं लिखेंगे, सिग्मा नहीं, ये सब हो गया। अभी हाउ मेनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चल गया, दो बॉन्डिंग है। हाउ मेनी एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटीबॉन्डिंग कितने है, जीरो हो गया राइट। आई गेस फोर्थ स्टेप हो गया डायरेक्टली। सो व्हाट इज योर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, एनबी माइनस एनए अपॉन टू, कितना आया बॉन्ड ऑर्डर, टू माइनस जीरो अपॉन टू, सो दैट इज वन। इट मीन्स दैट गाइस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है, एक ही राइट। अदर प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास, क्या क्या पढ़ा है हमने, स्टेबिलिटी को पढ़ा है। क्या यहाँ पे एन बी इज ग्रेटर देन एन ए, बाकी सब छोड़ो, बॉन्ड ऑर्डर बताओ। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, पॉजिटिव। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, पॉजिटिव, मतलब एच टू मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, क्लियर। दूसरी बात, क्या यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन बाकी है, नो। सो वी कैन से अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, अनपेड इलेक्ट्रॉन इज जीरो। सो ये किस टाइप का मॉलिक्यूल हो गया, एनी वन इज आस्किंग यू, एच टू इज डाई एटोमिक, सॉरी डाई मैग्नेटिक डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। और कुछ बाकी है इसमें इंफॉर्मेशन टाइप, हो गया। सो स्टेबिलिटी भी आउट है, दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, ये भी लिख दिया हमने H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आया है, एंड देन इट इज स्टेबल एज वेल एज डाई एटॉमिक एज वेल एज डाई मैग्नेटिक, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ डाई मैग्नेटिक दे मे आस्क यू अनदर बॉन्ड, ऐसा भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। म्यू इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पे उसका यूनिट भी रहेगा जीरो, बोर मैग्नेट है। मैग्नेटिक की जगह पे क्या बोल सकते हैं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, जीरो है। म्यू स्टैंड फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, कल लिख दिया मैंने, म्यू स्टैंड फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, एंड दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है मतलब उसके अंदर कोई मैग्नेटिज्म नहीं है, और जिसमें मैग्नेटिज्म नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायमैग्नेटिक कंपाउंड।